लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और काफी दिनों से तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी नहीं की थी। दोनों चीजों को लेकर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव रांची के रिम्स पहुंचे थे अपने पिता से मुलाकात करने, लेकिन उनका काफिला जैसे ही रिम्स में पहुंचा वैसे ही रिम्स परिसर में हंगामा हो गया। ये बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। काफी ज्यादा संख्या में करीब 250 के करीब अपने समर्थकों को लेकर 60 गाड़ियों के साथ रिम्स परिसर में पहुंचे थे, ऐसा कहना है भाजपा का। साथ ही साथ जो लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव के समर्थक हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम आपको पहले ये बताते हैं कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रतुल सहदेव, वो क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव की रिम्स आने पर। झारखंड में कानून सबके लिए बराबर नहीं है, ये बात इस चीज से और स्पष्ट होती है जब लालू प्रसाद के पुत्र तेज प्रताप कल देर रात रांची आते हैं 250-300 समर्थकों के साथ 60 गाड़ियों के काफिले में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होती है और पूरे तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां होती हैं। तो जिस तरीके से राजद के सामने हेमंत सोरेन सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और उनके नाम के नीचे कानून का उल्लंघन हो रहा है, फिर भी सरकार चुप बैठी है, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इस मुद्दे पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो तुरंत होनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को राजधर्म निभाना चाहिए, सिर्फ राजद के सामने अपने आप को सरेंडर करते हुए नहीं दिखाना चाहिए। तो आपने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव की बातें सुनी, साफ तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के काफिले ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है। वो रिम्स के अंदर जाकर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, उनके साथ जितने भी समर्थक थे वो बता रहे हैं कि करीब 250 लोग थे, 60 गाड़ियों के साथ तेज प्रताप यादव का काफिला रांची के रिम्स परिसर में पहुंचा था। लेकिन तेज प्रताप यादव के साथ जो लोग गए थे, राजद के कुछ नेता कुछ कार्यकर्ता जो उनके साथ गए थे, वो इस बात से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह की झड़प दिखाई दे रही है, इसी वजह से रिम्स में थोड़ा माहौल बिगड़ा और तेज प्रताप यादव के काफिले के साथ थोड़ा हो हंगामा हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक दोनों पारियों के लोग एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, तेज प्रताप यादव के जो समर्थक हैं वो बाकी के लोगों के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। लेकिन इस विषय में राजद और तेज प्रताप यादव के साथ गए लोगों और उनके समर्थकों का क्या कुछ कहना है आप सुनिए। आरएसएस के आदमी लोग थे, हम लोग तो साइड कर रहे थे, जानबूझ के तेज प्रताप जी को बदनाम करने के लिए, आरजेडी को बदनाम करने के लिए लोग ऐसा माहौल खड़ा कर दिए। बोला 60 गाड़ी लेकर आए, 60 गाड़ी लाना सही है क्या? नहीं नहीं 60 गाड़ी नहीं लेके आए हम लोग, हम लोग तो 4 गाड़ी लेके आए किए हैं, 4 गाड़ी लेके आए किए हैं और दो मात्र तेज बाबू गए हैं भीतर, हम लोग तो सब आदमी बाहर हैं। रोड के जाम को लेके ये सब, रोड जाम नहीं था, जाम कहाँ जाम है, क्लियर है। अरे आए थे उस समय जाम हो गया था, वो लाठी लंडाई काट के मारने के लिए तैयार हो गया, ये तो सब कुछ गड़बड़ कर रहा है जी सर। अरे ये निकल करके आके दो जन बहुत गंदा गंदा गाली दे रहा, लाठी चला रहा। किसको गाली दे रहा था? हम लोग राजद को भी दे रहा है, क्या बोल रहा है? चुनाव का असर हर ओर दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव 60 गाड़ियों के साथ करीब 250 लोगों को लेकर रांची पहुंचे, इसीलिए लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हुआ, हंगामा हुआ, वहीं दूसरी ओर तेज प्रताप यादव के समर्थक कह रहे हैं कि ये सारी चीजें तेज प्रताप यादव को बदनाम करने की कोशिश के तहत की जा रही है। दरअसल उनका कहना है कि वो केवल 4 गाड़ियों के साथ पहुंचे और जितने भी लोग हैं वो काफी कम संख्या में तेज प्रताप यादव के साथ पहुंचे और लालू प्रसाद यादव से मिलने अंदर केवल तेज प्रताप यादव गए, जितने भी उनके समर्थक थे वो बाहर शांति से खड़े थे। अब देखना ये होगा कि भाजपा और राजद के बीच में इस तीखी तलखी का असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ता है और जो ये वार प्रतिवार का जो दौर है वो कहाँ तक जाता है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।